वेलकम गाइस। तो आज का जो अपना सेशन है, आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक कोट से, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो ये कोट बहुत ही अच्छा है, और फिर से कहना चाहूंगा कि अपना इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम एजुकेशन सिस्टम तो चेंज हुआ, थोड़ा सा तो चेंजेस आया। और ये चेंजेस सच में एकदम बहुत ही इनोवेटिव होगा और बहुत ही सच में एकदम इंडिया को एक अलग ही लेवल में लेके जाएगा। वो कहते हैं ना यार कि मतलब इंडिया एक दिन सच में विश्व गुरु बनेगा, इसका मतलब आप जानते ही रहोगे। सो सच में अब वो समय आ रहा है, वो टाइम आ रहा है कि अब विश्व गुरु बन सकता है अपना इंडिया सच में। तो जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, और ये पास भी हो चुकी है ये बिल बाय आवर गवर्नमेंट, सो ये बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज करके रख दिया है। मतलब बहुत ही बेस्ट चेंज है ये। चेंजेस तो सच में यार, मतलब आप खुद सुनोगे ना आज का ये पूरा वीडियो, तो आपको खुद एकदम बेस्ट लगेगा कि चलो यार सच में ऐसा हुआ है। और तुमको पछतावा भी होगा कि काश हम आज से 3 से 4 साल पहले होते तो और मजा आता, हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्किल होती। बट खैर कोई नहीं, अभी भी आप डिग्री में जाने वाले हो, 10th के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, 11th 12th के बच्चे हो, तो 11th 12th वाले डिग्री का फायदा उठाएंगे, 9th 10th के 11th 12th का फायदा उठाएंगे। हमारी हम सब की तो बात ही अलग है, हम सब तो पढ़ के खत्म हो गए भाई, ठीक है। तो इट्स फाइन। तो चलो यार देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इतना सारा इनोवेशन हो रहा है तो कुछ चैलेंजेस भी आएंगे गवर्नमेंट के सामने। स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट स्कूल से ही करवाएगी, सो गवर्नमेंट स्कूल की हालत ख़राब है। टीचर्स को टीचिंग करने नहीं आती है बहुत सारे टीचर्स को, मतलब बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं एजुकेशन सिस्टम्स में, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें मतलब नॉलेज ही नहीं है इन्फॉर्मेशन का, ऑनलाइन सिस्टम का। सो वो सब इनोवेशन, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट जो पॉलिसी है एग्जैक्टली वो क्या है, तो पूरा वीडियो जरूर देखो, और लास्ट में आपको सच में गर्व होगा, प्राउड फील होगा कि सच में यार एजुकेशन सिस्टम अब बहुत ही मजेदार बन चुका है। सो गाइस सबसे पहले मैं ना स्कूलिंग शिक्षा, मतलब जो सिस्टम है स्कूलिंग सिस्टम की बात करना चाहूंगा। सो जो स्कूलिंग सिस्टम हुआ करती थी, स्कूलिंग सिस्टम मतलब कैसा, आपको एक बात बताता हूं। देखो आप अभी मुंबई शहर में अगर हो तो मुंबई शहर को छोड़ के बाकी अगर आप कहीं से भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो तुम्हें पता होगा स्कूलिंग सिस्टम क्या है। लेकिन मुंबई के बच्चों के लिए बता दूं कि स्कूलिंग सिस्टम हम क्या समझते हैं कि ओनली 10th तक अपना स्कूलिंग सिस्टम है, ओनली मुंबई शहर और या जो भी कोई और शहर होगा। ये पूरे इंडिया के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं कि ओनली सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, क्योंकि अब एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ स्टेट के लिए नहीं रह गई है, अब एजुकेशन पॉलिसी पूरे इंडिया में जो होगा वही हर जगह माना जाएगा, ऐसा है। तो स्कूलिंग सिस्टम मुंबई में 10th तक माना जाता था, बट हर जगह ऐसा नहीं है, 10+2 ये पूरा स्कूलिंग सिस्टम माना जाता है। मुंबई में क्या होता है कि 10th तक बच्चा पढ़ लिया और जब 11th 12th में गया तो उसे कॉलेज कहा करते हैं, बट रियल में वो कॉलेज नहीं है, वो स्कूल ही माना जाता है, वो भी पूरा स्कूलिंग सेक्शन ही माना जाता है, 10 और 2 को भी स्कूलिंग सेक्शन माना जाता है। तो अभी तक क्या था कि 10th तक बच्चा पढ़ेगा, फिर 11th 12th मतलब स्कूलिंग करेगा, जो भी रहेगा तो वो करेगा, 12th तक जाएगा और 12th के बाद वो स्ट्रीम चेंज करेगा। समझ रहे हो, स्ट्रीम मतलब कि भाई उसे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ऐसा चेंज करेगा। तो कुछ इस तरीके से 12 साल वो अपना 12वीं खत्म करेगा और स्ट्रीम के बाद अपना यहाँ पे साइंस में अगर उसको जाना रहेगा, साइंस रिसर्च टेक्नोलॉजी में जाना रहेगा, वहां जाएगा। अगर उसे बैंकिंग सिस्टम में जाना तो कॉमर्स लेगा, और भी कहीं पॉलिटिशियंस वगैरह बनना है या फिर और कोई भी टीचर्स बनना है तो आर्ट्स ले लेगा। सो ये अपनी एजुकेशन सिस्टम थी, इतनी छोटी सी खत्म यहीं पे एजुकेशन सिस्टम हो गई, ठीक है। अगर साइंस में जाएगा तो बीटेक बीएससी एमएससी रिसर्च बेस्ड में जाएगा, कॉमर्स लेगा तो बीकेएम बीए बीकॉम जो होता है बीए है बैफ है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वहां जाएगा, आर्ट्स लेना रहेगा तो बीए एमए ये सारे कोर्सेज करेगा। दैट्स इट, इतना ही एजुकेशन सिस्टम था। बट अब बहुत ही इनोवेशन हो चुका है गाइस, अब अपना एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से आ गया है, 5+3+3+4। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये नंबर के ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये है क्या चीज आखिर, बताओ इसका मीनिंग। तो गाइस जस्ट स्टार्ट करता हूं, अच्छे से आपको सारी चीजें बताता हूं। अब कुछ ऐसा नहीं रह गया कि आप 1 से लेकर के और 10वीं तक अलग स्कूल में पढ़ोगे, 10वीं से 11वीं और जो 12वीं होगी आपकी वो अलग कॉलेजेस में या स्कूल में मानी जाएगी, ऐसा कुछ भी भाई सिस्टम अब नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को अभी मैं बता दूं कि जो 4 मतलब लास्ट के 4 ईयर है ये किसके लिए है, 9th से लेकर के और आपका जो 12th रहेगा वहां तक के लिए, 9th और 10th मतलब 9th 10th 11th 12th ये आपका 4 साल का पूरा एक कोर्स माना जाएगा, 1 साल का ये पूरा एक साथ ये पूरा कोर्स माना जाएगा, मतलब ये पूरे 4 साल का कोर्स होगा।
समझ रहे हो। और देखो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भैया इसमें ला दिया है मल्टी स्ट्रीम पॉलिसी। मल्टी स्ट्रीम पॉलिसी क्या होती है कि अगर देखो कोई टेंथ तक पढ़ रहा है तो क्या पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, और उसके बाद वो आर्ट मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा और भी सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेगा। बट अभी मल्टी स्ट्रीम पॉलिसी में क्या ला दिया है कि अब देखो तो टेंथ तक तो सब पढ़ेगा बच्चा, लेकिन जब इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जाएगा तो वो अगर कोई साइंस का है तो फिजिक्स पढ़ेगा, और अगर कॉमर्स का है तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा या मेनी मोर। बट अब ऐसा नहीं है, 11, 12th का बच्चा अगर कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो उसकी चॉइस कहलाएगी। वो चाहे तो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, वो चाहे तो इकोनॉमी भी पढ़ सकता है, और वो चाहे तो कोई भी आर्ट्स के सब्जेक्ट कोई भी पढ़ सकता है। भले साइंस का बच्चा रहे तो वो सब कुछ पढ़ सकता है, वो उसकी मल्टी स्ट्रीम पॉलिसी कहलाएगी। और तो और गाइज इसमें देखो क्या हुआ करेगा, जब आप 10th तक जाओगे ना, 10th तक तो उन्हें 10th तक आप जब जाओगे तो 10th तक में क्या बोला है कि देखो 10th तक आप नॉर्मली रहोगे, बस उसमें क्या रहेगा कि आपके पास एक इंटरेस्ट बेस्ड चॉइस आया करेगी कि आप एक इंटरेस्ट बेस्ड अपनी चॉइस चूज करो कि आपको कौन सा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर आपने साइंस लिया है 10th के बाद तो 11th और 12th में अगर मान लो साइंस आपने लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ आपसे एक चॉइस पूछी जाएगी कि आप इकोनॉमी पढ़ोगे कि हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, या कौन सा, या कोई स्पोर्ट्स में डांसिंग सिंगिंग आप क्या पढ़ना चाहते हो। यह आपका एक सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, इस तरीके से आप मतलब कोई भी आपका इंटरेस्ट स्टडी आप पढ़ सकते हो, और वो लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी, उसकी भी परसेंटेज आएगी, ऐसा नहीं कि उसका परसेंटेज नहीं मानेगा, वो भी पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम उसके भी होंगे, जैसा सिस्टम होता है वो वैसे ही रहेगा, और वो पूरा सिस्टम आपको वहां पे उसी से मार्किंग भी होगी और वहीं से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझा अच्छे से। तो ये एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, मतलब अगर यार मैं साइंस का हूं, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता हूं, अभी मेरे पास ये चॉइस नहीं है। अगर मुझे कॉमर्स पढ़ना है तो मुझे अलग से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, मुझे अलग से पूरा सिस्टम, फिर से मेरी मेरिट लगेगी, तब जाके मैं साइंस और कॉमर्स दो एक साथ में दो कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं, आप एक ही जगह में बैठ के आप एक साथ सारी चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई 9th से लेकर के 12th तक का मल्टी स्ट्रीम चेंजेस पॉलिसी, मतलब आप 9th से लेकर 12th तक का पूरा ये आपका एक कोर्स माना जाएगा, और इसी में आपका पूरा इस तरीके से मतलब सब कुछ आप पढ़ोगे, आप मल्टी टैलेंटेड कहलाओगे। समझा अच्छे से, ये पॉलिसी आपकी एक आ चुकी है। नेक्स्ट गाइस फिर आगे बताता हूं 6th से लेकर के 9th तक के बच्चों का क्या होगा, मतलब जो 6th है और 6th से लेकर 9th तक, क्योंकि 9th से 12th का तो आपको समझ चुका है क्या होने वाला है, तो अब 6th से लेके 9th तक के बच्चों का क्या होगा। तो गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में मैं अपनी खुशी बता नहीं पा रहा हूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि देखो जो 6th से लेकर के 9th मतलब तक है ना, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यार कोडिंग सिखाई जाएगी। वाओ यार, मतलब ये पूरा अमेरिकन सिस्टम्स और मतलब बाहर के देशों में तो और यहां से नहीं होता है, मतलब 5th-6th वहां भी सिखाया जाता है, तो अपने को यहां पे कोडिंग और प्रोजेक्ट्स सिखाए जाएंगे, मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड आपको बहुत सारे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोडिंग की स्किल ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कराया जाएगा। और ये जो पॉलिसी है पूरे इंडिया में एक साथ लागू होगी, मतलब अगर कोई हरियाणा का बच्चा है और वो कोई अलग चीज पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं होगा, आप भी वही पढ़ोगे जो हरियाणा, जो दिल्ली, जो तमिलनाडु का बच्चा पढ़ेगा, वो आप वही पढ़ोगे, सेम एजुकेशन सिस्टम होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा नहीं कि आप इस बोर्ड से हो तो आप ये पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक सिंगल इंडियन बोर्ड ऐसा माना जाएगा और उसी में आप सारी चीजें पढ़ाई करोगे। तो ये बहुत ही बेस्ट है यार कि कोडिंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, मतलब ऐसा नहीं कि बुक से उसको रट्टा मार लो खत्म कहानी, मतलब आपको इस तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, कोडिंग वगैरह डिजिटलाइजेशन करवाया जाएगा, आपको वोकेशनल कोर्स दिए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि देखो अभी तक कैसा है कि अगर मान लो आपके सामने फिजिक्स की किताब रख दी जाए और आपके पास उस फिजिक्स में 300 किताब है जिसकी रट्टा मारने की ताकत है, पूरा फिजिक्स की किताब रट के 95+ ला देगा वो, ठीक है। बट वोकेशनल कोर्सेस आ चुके हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर आपने पूरे ये बुक्स भी चेंज होएंगी, ये टेक्स्ट बुक भी सारी चेंज हो जाएंगी, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, टेक्स्ट बुक भी, इतनी ज्यादा टेक्स्ट बुक भी हम नहीं होएंगी, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा, आपका पूरा जो नॉलेज है ना वो प्रोजेक्ट मतलब बोलते ना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप किताबें पढ़ के और किताबी कीड़ा बन के और वो थियोरेटिकल नॉलेज हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, ये होगा वोकेशनल कोर्सेज में। आप अगर समझ लो 6th से 9th तक के बच्चे हो तो अगर आपको सपोज कोई
काम मतलब देखो आपको कोई स्टडी कराई गई तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दूसरे के यहाँ पे काम करने भी भेजा जाएगा, जॉब के लिए भी भेजा जाएगा। चाहे आप अमीर के बच्चे रहो चाहे गरीब के बच्चे रहो, आपको काम करने की तकनीकी सिखाई जाएगी, चाहे वो कोई भी स्किल डेवलपमेंट हो चाहे कोई भी काम हो, आपको स्कूलिंग सेक्शन में ही ये होगा, बट यहाँ पे आपको जॉब करवाया जाएगा आपसे, आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप तो जानते हो ना क्या होता है, इंटर्नशिप मतलब काम करने के बदले पैसे, और वो जो काम रहेगा वो सीखने का काम रहेगा, मतलब कि एक ऐसा काम एक ऐसा जॉब जिसमें आप सीखोगे और उस जॉब के बदले आपको पैसे मिलेंगे, समझा अच्छे से। तो ये इंटर्नशिप होती है, तो ये जॉब कराया जाएगा 6 से 9 तक का, ये पूरा प्रैक्टिकल। मान लो आपने कोई कोडिंग का नॉलेज सीखा तो उसका इंटर्नशिप कराया जाएगा, मान लो आपने कोई फिजिक्स का काम सीखा तो आपको काम कराया जाएगा, जैसे कि आपको मे बी लॉन्ड्री में भी भेज सकते हैं काम सीखने के लिए। तो यहाँ पे अमीरी गरीबी से मतलब नहीं, कोई अमीर तो मेरा बच्चा लॉन्ड्री में सीखेगा जाके, ऐसा नहीं होगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको स्कूलिंग सेक्शन में करवाई जाएगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे एक बच्चे के पास स्किल होनी चाहिए अगर उसके पास कोई काम नहीं तो ये धंधा वो कर सके, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप ये 6वीं से लेकर 9 तक के बच्चों को करवाया जाएगा। स्कूल के कॉलेजेस मतलब जो स्कूल होंगे वहां का ढांचा जो स्केलेटन है स्कूल का, टीचर्स को ये सारी चीजें नहीं आती तो टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर्स को कैसे सिखाना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, टीचर्स को सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। जो स्कूल है स्कूल को सारी चीजें मतलब वहां पे जो स्ट्रक्चर स्कूल कैसा टूटा फूटा रहता है स्कूल में पूरा एकदम न्यू मॉडर्न तरीके से सारा सिस्टम ला जाएगा। और गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस सब प्राइवेट के भी बाप दिखाई देंगे क्योंकि ये सारा सिस्टम तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा तभी भैया ये पॉसिबल है। तो अगर भाई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो ये जरूर दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अपने इंडियन की GDP जो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका अब इंडिया अपना पता ना कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 5 बिलियन है, 5 बिलियन डॉलर की है, अपने ट्रिलियन डॉलर की है फिलहाल, ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर, माय गॉड। तो इसमें का गाइस अपना 6% 5 ट्रिलियन डॉलर का आप लगा सकते हो, मतलब 3-4 ट्रिलियन जो भी है इसका 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है अपनी गवर्नमेंट। क्योंकि मैंने तो पहले ही हमेशा मैं यही कहता हूं यार, और अपने बड़े बड़े आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना ही होगा, हमेशा कहते शिक्षा ही परम मूल धर्म है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, शिक्षित इंसान कुछ भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखो। तो इसलिए ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, मतलब अब आप थियोरेटिकल रट्टूफिकेशन नहीं करोगे, आप अब प्रैक्टिकल नॉलेज आपके माइंड में रहेगा, आपके पास प्रैक्टिकल थियरी होगी। अगर आप 10th के बाद किसी कॉलेज में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक कोई इंटरेस्ट बेस्ड स्टडी नहीं आती है, आपको फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आती है, आपको बायोलॉजी मैथ सब आता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इकोनॉमी अगर आपने लिया तो इकोनॉमी, सिंगिंग भी आती है, आपको डांसिंग भी आती है, आपकी इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग कहलाई जाएगी। आपको जॉब का आइडिया नहीं होता है, बच्चों को डिग्री भी हो जाती तभी भी उनको जॉब का आइडिया नहीं होता, बच्चे को छठवीं से जॉब का आइडिया होगा बच्चा कैसे जॉब करेगा सोचो। तो ये एक बेस्ट आइडिया मतलब 6वीं से लेकर 9 तक कराया जाएगा। मुझे सबसे बेस्ट लगा यार कोडिंग सिखाई जाएगी। अभी मैं सच में बता दूं यार, जब मैं 10th में गया था मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता था। अब सोचो जरा, मैं अगर काश मैं 6वीं में होता इस टाइम से तो मुझे बहुत ज्यादा स्किल होती। वही कहते हैं ना कि दुनिया बदलती है, बट ठीक है चले, अभी तो हम लोग हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तो एकदम हम लोग हमारा यही कोर्स है सॉफ्टवेयर का, बट सोचो जरा ये बहुत बेस्ट है। और वोकेशनल कोर्स ला के बहुत अच्छा किया कि जो कि जॉब की ट्रेनिंग 6वीं से 9 तक कराई जाएगी। चलो गाइस आगे बताता हूं कि 3rd से लेकर 6 तक की हालत क्या है, मतलब 3rd से लेकर 6 तक के बच्चों को क्या कराया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो जो 3 से लेकर 6 तक के बच्चे, मतलब 6वीं से 9वीं तो आपको समझ चुका है, तो 3rd से लेकर 6 तक के बच्चों को क्या होगा ये जान लो, पेरेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टडी विद स्पोर्ट्स, मतलब देखो एक ऐसी पॉलिसी आ चुकी है कि 3rd से लेकर 6वीं तक का जो बच्चा है उसको खेल कूद से ऐसा पढ़ाया जाएगा कि वो खेल खेल के उसे पता भी नहीं चले लेकिन वो स्टडी कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं होगी कि उसके लिए किताबें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, वैसी किताबें नहीं आएंगी, उसको टीचर्स एकदम विजुअलाइज करवा के डिजिटल तरीके से वैसा 3rd से लेकर 6 तक के बच्चों को कराया जाएगा। और इसके लिए एक नेशनल मिशन रखा गया है। नेशनल मिशन का मतलब जानते हो क्या होता है, नेशनल मिशन मतलब कि गवर्नमेंट ने एक मिशन लागू किया है जो कि ऑल ओवर इंडिया में सेम 3rd से लेकर 6 तक के बच्चों को सेम एजुकेशन रहेगी, सेम तरीके से बच्चा सारी चीजें स्टडी करेगा। तो देखो ये हो गया 3 साल का कोर्स, उसके बाद ये भी देखो 3 साल का कोर्स, ये 4 साल का कोर्स था, समझा। तो यहां पे क्या होगा, मतलब जो एजुकेशन होगा वो पूरा
पूरा नेशनल मिशन के थ्रू, मतलब इसमें टीचर्स को सारा एजुकेशन दिया जाएगा, टीचर्स के साथ साथ फिर जो स्कूल्स का उनका मॉडिफिकेशन कराया जाएगा, फिर डिजिटलाइजेशन आएगा, फिर बच्चों को किस तरीके से खेल कूद खिला खिला के, मतलब स्पोर्ट्स करके कैसे उन्हें पढ़ाया जाएगा, ये स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी, बच्चों को यहीं से जॉब के लिए प्रेरित किया जाएगा, बच्चे रिसर्च में कैसा कर सकते हैं वो कराया जाएगा, मतलब पूरी इंटरेस्ट बोलते ना कि वो आपने सुना भी रहेगा सचिन तेंदुलकर 10th में, यार देखो ना क्या था सचिन तेंदुलकर की हालत, लेकिन देखो वो इंटरेस्ट के ऊपर गए और आज कितने क्रिकेट के भगवान बन गए। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टडी कराई जाएगी, जो आपका मन है वही आपको कराया जाएगा। तो यहां से अगर 3rd से लेकर 6th तक आपका स्पोर्ट्स से आपको इंटरेस्ट पता चलेगा तो यहां से आप एक नॉलेज मिलेगी कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट यहां पे तो मैं यहां जाऊंगा, समझा। अब बच्चों को 12th में ही नहीं पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से ही बहुत सारे बच्चे पूछते कि सर मैं क्या लूं क्या करूं, मुझे बीटेक करना चाहिए बीएससी करना चाहिए क्या है। अब ऐसा आ गया है कि हर एक ईच एंड एवरी कोर्स की जो महत्ता होगी, महत्ता मीन्स इंपॉर्टेंस होगी, वो सब सेम रहने वाली है। तो सोचो जरा, ये एक बहुत ही बेस्ट एकदम इनोवेशन है, डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। गाइज लास्ट आपको बताना चाहूंगा इसमें जो अपना मतलब एजुकेशन सिस्टम में आया है कि 1st से लेके 5th तक का जो वो 5 साल वाला सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा, पहले देखो मतलब कि 3 साल और 2 साल में इसको भी डिवाइड किया है। तो गाइज यहां पे देखो जो 3 साल है इसमें क्या होगा, वो नर्सरी वाले जो नर्सरी की बात होती है ना, जिसमें आंगनवाड़ी में जो बच्चे, आपने आंगनवाड़ी सुना होगा, आंगनवाड़ी अभी ऑफिशियल नहीं था, आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल अपने में भी शहर में अगर हो तो आपने प्री स्कूल का नाम सुना होगा। तो आंगनवाड़ी गांव में होता है और प्री स्कूल मतलब शहरों में होता है, ठीक है। सो प्री स्कूल और आंगनवाड़ी अभी तक ऑफिशियल नहीं था, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं थी इसमें, बट अब गाइस इसमें गवर्नमेंट फंडिंग आ चुकी है और 3 साल तक मतलब जो स्टार्टिंग के जो बच्चा मतलब 5वीं क्लास से जब 5 साल का बच्चा होता है तो उसका एडमिशन होता है, बट स्टार्टिंग के 3 साल तक अब उस बच्चे को आंगनवाड़ी में रखा जाएगा, मतलब 2 साल से स्टार्ट किया जाएगा, तो 3 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में रहेगा या तो प्री स्कूल शहर में तो प्री स्कूल में, और इनमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बच्चों को एकदम इंटरेस्ट लाया जाएगा स्टडी में कि स्टडी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्टडी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और भाई स्टडी को भी तो ऐसा कर दिया कि आप स्टडी में स्पोर्ट्स पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो आप स्टडी में, मतलब स्टडी ही स्पोर्ट्स है, ऐसा कर दिया गया सिस्टम, मतलब खेल कूद की भी स्टडी, मतलब समझ रहे हो, आपकी इंटरेस्ट मतलब आपको डांसिंग में जाना है तो वो भी अब स्टडी कहलाएगी, ऐसा नहीं कि ये स्टडी नहीं है, ये भी आपका एकदम करिकुलम होगा, इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, इसका भी पेपर होगा, समझा। अगर आपको सिंगिंग आती तो इसका भी पेपर होगा, मतलब ये भी आपका एक स्टडी का पार्ट है, इसके भी सब्जेक्ट होंगे, कितने सिंगिंग की टाइप होती है ये सिखाया जाएगा, डांसिंग की कौन सी स्टेप होती है ये सिखाया जाएगा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी में कराया जाएगा, ये पूरी स्टडी है। अभी तक क्या था कि हमारा मतलब कि तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, तो बोलता कि नहीं नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूंगा मैं सिंगिंग करता हूं। भाई अब पढ़ाई ही सिंगिंग कहलाएगी, सिंगिंग डांसिंग और पढ़ाई भी पढ़ाई ही है, समझा। तो ये सिस्टम अब आ गया है, अब आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। तो देखो ये कितना बेस्ट है ना यार, मतलब बहुत अच्छा है। और जो ये 2 साल है ये आपका 1st स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड होगा, और 3 से 6 तक को मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आपको क्या कराया जाएगा, और 6 से 9 तक क्या कराया जाएगा, 9 से 12 तक का क्या कराया जाएगा बता दिया है। तो 1st और 2nd स्टैंडर्ड के लिए क्या है ये जान लो। तो गाइज एक बात और फिक्स है कि 1st से लेकर 2nd तक आप लोगों को मतलब ऐसा होगा कि इसमें ऐसा रहेगा कि आपको लिखना और पढ़ना सिखा दिया जाए, मतलब 1ली और 2nd कक्षा में जब आप रहोगे 1st 2nd स्टैंडर्ड में रहोगे तो आपको लिखना और पढ़ना आपको आना ही चाहिए, इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि जब बच्चा 3rd में जाए तो उसको फिर कोडिंग वीडिंग सिखानी तो उसको कुछ आएगा ही नहीं, मतलब कि उसको ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना लिखना एकदम आ जाना चाहिए 1ली 2री में, मतलब आप वर्ड्स को पहचान जाओ, इतनी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। मतलब यार कोई अगर 1ली 2री में पढ़ना सीख लेगा तो कितनी अच्छी बात होगी, सोचो ये एजुकेशन सिस्टम होगा, ठीक है, जिससे कि वो जब 3rd में जाए तो पूरा एकदम अच्छे से उसको स्पोर्ट्स के साथ खेलने कूदने पढ़ने अच्छे से आ जाए, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब एक गाइज और बात है कि जब बच्चा 1ली से 5वीं कक्षा तक होगा ना तो उसको एक कंपलसरी चीज होगी कि वो अपनी मदर टंग में ही पढ़ेगा, किसमें पढ़ेगा, वो अपनी मदर टंग में, जिसके कि भाई आजकल इंग्लिश और ब्रिटिशर्स का बहुत दुनिया में राज चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि अपनी लैंग्वेज हम मातृभाषा को भूल जाए, जो माँ वाली फीलिंग है वो हम भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे अगर उसका अब मातृभाषा को भी चूज करने का यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप मराठी हो तो महाराष्ट्रीयन लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, अगर आप हिंदी तो हिंदी में पढ़ सकते हो, अगर आप इंग्लिश आपकी मदर टंग है आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो,
समझ रहे, आप अगर इंग्लिश से बोलते हो तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, बट हिंदी में ज्यादा फोकस रहेगा। अगर आप तमिल के हो तो तमिल में पढ़ सकते हो, तेलुगु में हो तेलुगु पढ़ सकते हो, जो भी आपकी मर्जी, हरियाणवी, पंजाबी, जो पढ़ना है, भोजपुरी, सब में आप स्टडी कर सकते हो। मतलब पांचवी से छठवीं तक ऐसा कहा जाएगा कि आपकी स्टडी मदर टंग के बेसिस पे होगी, मतलब अपनी जो वो मदर टंग है उसकी फीलिंग आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। सो ये सिस्टम गाइज आपका प्राइमरी सेक्शन में है। तो फाइनली एक कंक्लूजन देना चाहूंगा कि भैया एक बात तो फिक्स है कि बोर्ड पेपर जो है, देखो ये सिस्टम ला दिया है, मतलब जो अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे उनके लिए मैं बता दूं, 9वीं से जो 12वीं तक के बच्चे उनके लिए बता दूं कि बोर्ड का पेपर तो भैया कैंसल हो गया है, बोर्ड का पेपर तो भैया जो है कैंसल्ड हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि देखो आप लोग जो हो इस वक्त आप करंट टाइम में हो, मतलब जो अभी बच्चा 10वीं में है, जो अभी बच्चा 11वीं में है, जो अभी बच्चा 12वीं में है, उसके लिए नहीं है ये। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को सेम एक साल में बोर्ड पेपर देना है। ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये 2022 से लागू होगा, मतलब 2022 से ये अप्लाई होगा, बिकॉज उससे पहले दो साल अभी स्कूल्स वगैरह में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो 2022 से स्टार्ट होगा, पूरी किताबें बदल जाएंगी, सारी चीजें, तो ये सब बदल जाएगा। आप लोगों को जो अभी किताबें मिली हैं वही किताबें पढ़नी है, आप लोगों का जो सिस्टम है पेपर पैटर्न सब वही रहेगा, आप लोगों को सेम चीजें आपकी स्टडी करनी है, आप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोल दिया ना जो किताब है उसको चुपचाप पढ़ना है बस, और वही से ही मार्क्स होगा, वही से 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, अभी वही आप रट्टा मारो चाहे पढ़ो, आपका वही एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। 2022 से जो बच्चे होंगे उनकी किस्मत तो भैया चमक गई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, तो के लिए ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, चलो अब मैं गाइस आपको यहां बता दूं कि अगर 2022 के बाद जो 12वीं के बच्चे होंगे, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के, तो क्या होगा उनका, उनका बोर्ड पेपर कैंसल हो जाएगा। अब उनके लिए क्या होगा कि एक साल में, वन ईयर में दो पेपर होंगे, दो सेमेस्टर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, दो सेमेस्टर होंगे, और ये दोनों बोर्ड एग्जाम कहलाएंगे, मतलब दोनों एक साल में दो पेपर पर दोनों बोर्ड एग्जाम कहलाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो गाइस ये है कि आपका जो मार्कशीट आएगा उसमें ये नहीं होगा कि आपने, देखो आपका लिखा रहता है इंग्लिश हिंदी इतने मार्क्स पाया, ए ग्रेड बी ग्रेड, ऐसा लिखा रहता है, अब ऐसा नहीं होगा। अब जानते हो कैसा होगा, अब ऐसा रहेगा कि आपका जो भी बोर्ड पेपर होगा उसमें तीन कॉलम होंगे, एक तो आपने बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ा, दूसरी बात आपने जॉब स्किल में क्या पढ़ा, तीसरी बात आपका एक, आप खुद से एक इवैल्यूएशन दोगे कि मतलब आपने क्या सीखा उसके बेसिस पे मार्क्स, और एक आपका सबसे इंटरेस्टिंग और आपका फ्रेंड आपको बताएगा, मतलब आपके फ्रेंड ने आपके बारे में क्या, आपकी गलतियां और कितनी आप में अच्छाइयां है, बिहेवियर करेक्टर्स आपके क्या है, वो आपका फ्रेंड से यहां पे पूछा जाएगा, उसका इवैल्यूएशन ये आपके मार्कशीट में लिख के आया करेगा, समझा। तो मतलब एक तो आपने क्या स्किल सीखी, जॉब में आपने क्या सीखा, इंटर्नशिप आपने किया उसमें क्या सीखा, आपने स्पोर्ट्स खेल कूद से आपका इंटरेस्ट बेस में आपने क्या सीखा, वो आपका इवैल्यूएशन, मतलब आप चूज करोगे आपको कितने मार्क्स खुद से देने हैं, और एक फ्रेंड आपका मार्क्स देगा, मतलब फ्रेंड आपके बारे में क्या समझता है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से मार्क्स इंटरव्यू होगा आपका, अलग तरीके से पूरा सिस्टम किया जाएगा, और एक आपने जॉब में क्या सीखा और आपने एक बोर्ड का जो एग्जाम दिया उसमें क्या लाया, कितने मार्क्स लाए, वो रहेगा, और टोटल मिला के देन आपके परसेंटेज आएंगे, समझा। ऐसा होगा, मतलब देखो ना कितना अच्छी बात है ना यार, आपका पूरा बिहेवियर करेक्टर, आप मेहनती हो या नहीं हो, आपके पास स्किल है या नहीं, ये सब आपका सामने साइकोलॉजिकल बंदा, जो आप जॉब करने जाओगे तो आपको रियल जॉब में पता चल जाएगा, सोचो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सिर्फ 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि 6वीं और 9वीं के बच्चे तो नॉर्मली अपना खेल कूद से सीखने वाले, इसके लिए तो सोचो जरा ये कितना बेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया भैया स्कूलिंग शिक्षा, मतलब ये लिए। और एक बात और बताना चाहूंगा कि देखो जब भी कभी भी आप 12वीं के बाद, आपको डिग्री में जाना है, ठीक है, तो यहां पे आपको बता देता हूं कि अगर मान लो आपको 12वीं के बाद डिग्री में जाना है, सो उसके लिए 12वीं के बाद ही जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे तो आपको, आप लोगों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो कि ऑल ओवर इंडिया में लिया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, और उसी एग्जाम में भी उसका भी पैटर्न चेंज होगा, उस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में लो अगर जेई बी ये सब ऐसा नहीं होगा, आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, और इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सब कुछ आएंगे, आपकी इंटरेस्ट बेस्ड जो पेपर होगा उसका भी पेपर होगा, आपका जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी था, वो भी सब कुछ आपका यहाँ पे रहेगा, मतलब एक सब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसके बेसिस पे फिर आप यहाँ पे, फिर आपके पास यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बीटेक कर लो, आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपके पास क्या होगा, दो बेस्ट स्टडी होगी, आप जॉब के लिए स्टडी कर रहे हो या फिर आप रिसर्च के लिए स्टडी कर रहे हो, ऐसा परीक्षा हुआ करेगी आपका, ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि भाई तेरे को जॉब में जाना है कि रिसर्च पे जाना है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा। अभी कैसे पूछा जाता है कि भाई तेरे को साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है,
ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा, आपको जॉब में जाना है, रिसर्च में जाना है, भाई तेरे को किस में जाना है? तो जॉब में जाना है तो जॉब के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च में जाना है उसके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम, बट एक कॉमन है, जिसको रिसर्च में जाना है ना तो वो जॉब वाला सिस्टम तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, देन उसके बाद रिसर्च के लिए उसके साथ उसके लिए एक कुछ अलग सिस्टम है, समझा? मतलब जिसको रिसर्च में जाना है उसको जॉब के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, फिर जॉब के बाद उसके लिए रिसर्च के लिए कुछ अलग बातें हो जाएंगी, ऐसा सिस्टम होगा, सोचो। तो ये सिस्टम होगा, ठीक है। मान लो गाइस, अगर मैं अभी डिग्री के लिए बात करूं, डिग्री की बात अगर मैं करूं, तो डिग्री के लिए जैसे देखो, किसी को अगर बीए देना है, अगर किसी को बीएससी का एग्जाम देना है, किसी को बीकॉम देना है, किसी को बैफ एग्जाम होता है, मतलब बैफ बैंकिंग वगैरह के लिए, ठीक है, इनमें है कोई कोई, किसी को सीए बनना है, ठीक है, किसी को मतलब बीसीएस करना है, किसी को बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, मैं कितने के नाम गिनाऊं, ठीक है। तो अगर इनको करना है तो इनके लिए क्या होगा, पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो हमें पूछा जाएगा, भाई तुमको जॉब के लिए जाना है कि रिसर्च के लिए जाना है? अगर तुमको जॉब के लिए जाना है तो तुमको 3 साल का कोर्स होगा, अगर तुमको रिसर्च के लिए जाना है तुम्हारा 4 साल का कोर्स होगा, ये बीएससी बीए सीए बीए दुनियादारी सबका कोर्सेस, ठीक है। फिर गाइस, इसमें तुमसे ना, अगर देखो, अगर तुम जॉब के लिए जाते हो तो तुम 3 साल पढ़ोगे, रिसर्च के लिए जाओगे तुम 4 साल पढ़ोगे, लेकिन अगर, अब देखो यहाँ पे इमरजेंसी सिस्टम, मतलब कोई कोई बच्चा गरीब है, उसके पास कोई पैसे नहीं पढ़ने के लिए, उसने 1 साल कंप्लीट पढ़ लिया, मान लो आप बी टेक कर रहे हो, ठीक है, बी टेक आप आईआईटी से कर रहे हो, ठीक है, और आपने 1 साल पढ़ा, आपकी फीस 1,80,000 है मान लो, ठीक है, 1.8 लाख, और आपके पास सेकेंड ईयर की फीस नहीं है, तो आप चाहो तो यहीं पे अपनी स्टडी बंद कर सकते हो और बोलो मुझे लीव लेना है और मैं जा रहा हूं, अभी मेरे पास पैसे जुटाने हैं। आप 1 साल मेहनत करो, पैसे अगले साल के लिए जुटाओ और आप फिर सेकेंड ईयर में अगले साल छोड़ के फिर वहीं से स्टडी कर सकते हो स्टार्ट, समझा? मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं, इमरजेंसी सिस्टम है, तो आप स्टडी छोड़ सकते हो और आपको उस साल की, उस 1 साल की सर्टिफिकेट मिलेगी, और उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें गाइस ना आपको क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब क्रेडिट ट्रांसफर आपका होगा, क्रेडिट ट्रांसफर मतलब कि हाँ आपने 1 साल स्टडी की है और उस 1 साल के बेसिस में आप उस सर्टिफिकेट को कहीं भी दिखा के आप काम कर सकते हो, उसको मान्यता मानी जाएगी, उसको भी आप जॉब वाले ऐसा नहीं कहेंगे कि तेरा तो 3 साल का कंप्लीट ही नहीं है, उस 1 साल की डिग्री को भी आपको मान्यता दी जाएगी, उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, समझा? ऐसा क्रेडिट ट्रांसफर होगा, समझा अच्छे से, ये बात ध्यान रखो। फिर अगर मान लो 2 साल आपने कंप्लीट किया और आपको थर्ड ईयर के लिए फीस नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम एनीथिंग, तो आपको 2 साल के लिए डिप्लोमा होता है ना, आपको पता है ना 2 साल का डिप्लोमा, तो आपको डायरेक्ट डिप्लोमा का डिग्री दे दिया जाएगा, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आपको दे दी जाएगी और उसका भी क्रेडिट होगा। अगर आपने 3 साल किया है तो आपको उसकी डिग्री, अगर आपने 4 साल किया उसकी डिग्री, देन जाके आपको डिग्री मिलेगी, समझा? और अगर ऐसी गाइस आपने 3 साल का अगर कोर्स किया तो 3 साल में भी अगर आपने फर्स्ट ईयर का तो उसको क्रेडिट मिलेगा, सेकंड ईयर में तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगी, अगर आपने 3 साल का किया तो आपको डिग्री की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, 2 साल में डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, 1 साल में आपको क्रेडिट ट्रांसफर मिलेगा, मतलब सोचो ऐसा क्रेडिट ट्रांसफर मतलब एक सर्टिफिकेट कि हाँ आपने 1 साल कंप्लीट किए हैं, आपको नॉलेज है 1 साल का, और वैसे भी आपने 10वीं 11वीं 12वीं तो पढ़ाई है, तो उसका तो आपको जॉब का स्किल तो आपको आता ही है क्योंकि आपने जाके काम किया है, आपने 6वीं से 9वीं तक में ही आपने पैसे कमाए हैं, सोचो आपको पता है, सोचो ये कंडीशन आपके सामने ला दी गई है। और गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूंगा कि देखो, अगर मान लो आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ठीक है, और महाराष्ट्र के स्टूडेंट में अगर समझ लो जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है जहां से मैं खुद पढ़ाऊं, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी है अगर मान लो, और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 200 कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, 200 कॉलेज आते हैं, तो अभी देखो जैसे कि मेरा खुद का कॉलेज है, ठीक है, सोमैया मेरा खुद का कॉलेज है, ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉलेज है, यहां पे बहुत सारे कॉलेज है, तो सबके कॉलेज की फीस जो होती है ना, फीस अलग अलग है, इस कॉलेज की फीस अलग है, इस कॉलेज की फीस अलग है, इस कॉलेज की फीस अलग है, ठीक है ऐसा, लेकिन ये सारे कॉलेज किसके अंदर काम कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, मुंबई सिटी के अंदर काम करते हैं, तो ये सारे कॉलेज लेकिन फीस अलग अलग लेते हैं, ऐसा है, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा, फीस जो रहेगी वो सारी चीजें एकदम सेम रहेंगी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी बच्चा कोई अगर मान लो बीएससी का कोर्स कर रहा है तो अगर मान लो 20,000 फीस है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक बच्चे को 20,000 ही हर कॉलेज में देना है, मतलब सेम फीस रहने वाली है, ऐसा होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट बेस्ड स्टडी, और यहाँ पे एक चीज और होने वाली है कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी होगी, मतलब अगर कोई हरियाणा का बच्चा कोई पढ़ रहा है, कोई पंजाब का बच्चा बीएससी कर रहा है, और कोई मतलब मान लो उत्तर प्रदेश का बच्चा बीएससी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र का बच्चा, कोई तमिलनाडु का बच्चा पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि तमिलनाडु का बच्चा कुछ अलग बीएससी के कोर्स में पढ़ेगा, अभी तक ऐसा होता है, वहां के लोग कॉलेज को ये फ्रीडम है कि वो कोई भी कोर्स करवा सकते हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा, बीएससी अगर कोई बच्चा कर रहा है या कोई बीटेक कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, उसको एक मतलब ऑल ओवर इंडिया सारे कोर्सेस सेम होंगे, मतलब वो सेम कोर्सेस, अगर
करा कोई हरियाणा का बच्चा है तो भी वही कोर्स करेगा, और जो मतलब महाराष्ट्र का बच्चा होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा, वो भी वही कोर्स करेगा। सेम कोर्सेस यहाँ पे ला दिए गए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सिमिलर हो गई है, ऑल ओवर इंडिया में सेम एजुकेशन सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं हो जो कोई और कहीं का कुछ और पढ़ रहा है, कोई और कहीं का कुछ और पढ़ रहा है। इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम का मतलब यह है कि सेम स्टडी सेम डिसिप्लिन में सेम तरीके से सेम बच्चा वही सेम स्ट्रीम अगर चूज करते तो सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, दूसरी बात जो ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आपके लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाई गई। मतलब अगर देखो आपकी स्कूल में या कॉलेजेस में मेनली डिग्री के लिए है, ठीक है, तो कॉलेजेस में क्या कराया जाएगा, कॉलेज में देखो मान लो अगर कोई दूसरा कॉलेज है, ये दूसरा कॉलेज ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, ठीक है, तो ये कॉलेज चाहे तो इनको ऑटोनॉमी मिल चुकी है कि ये कॉलेज चाहे तो जैसा पेपर लेना चाहे उस तरीके से पेपर ले सकता है। फीस तो सेम रहेगी, सब्जेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन पेपर चाहे तो ये जिस तरीके से लेना चाहे ले सकता है। ये कॉलेज है तो ये कॉलेज है जैसा पेपर लेना ले सकता है, ये भी चाहे जैसा वैसा ले सकता है, ये भी चाहे जैसा पेपर पैटर्न ही अपने हिसाब से डिग्री में अभी भी चेंज होता है। मैं ऑटोनॉमस कॉलेज से हूं तो हमारे में पेपर अलग होता है और सभी कॉलेजेस का पेपर अलग होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो फिलहाल फीस भी अलग अलग होती है और चाहे तो वो मनचाही फीस ले सकते हैं, गरीब अमीर देखते नहीं है। अगर 10,000 फीस तो 10,000, 1,00,000 फीस तो 1,00,000 फीस, जितना चाहे कोई कॉलेज वही कोर्स के लिए दूसरा कॉलेज 20,000 में देता है, वही कोर्स के लिए दूसरा कॉलेज बड़ा कॉलेज है तो अभी 1,00,000 के ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोर्सेस होती है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखो अच्छे से, तो ऐसा नहीं होगा चाहे बड़ा कॉलेज रहे चाहे छोटा कॉलेज रहे, फीस सेम रहने वाली है, ऐसा आ चुका है। ठीक है, बस यहाँ पे मेरिट डिसाइड होगी, आपके अंदर स्किल क्या है उसके बेसिस पे सारी चीजें होगी, मार्क्स परसेंटेज अब मैटर नहीं करेगा। हाँ, परसेंटेज मैटर होगा, बट ये रहेगा ये भी, बट ये आपको नॉलेज के लिए होगा कि हाँ परसेंटेज आया मतलब इसके पास नॉलेज है, बट आपको स्किल का सेक्शन भी आपके मार्कशीट में रहेगा कि आपके पास स्किल कौन कौन सी है, आपने क्या क्या इंटर्नशिप ली है, आपने कौन कौन सी जॉब देखी है, ये भी आपके पास रहेगा, ऐसा होगा। और गाइस आपको एक और बता दूं, जैसे जो यूनिवर्सिटी होती है अपने इंडिया में, जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फिर AICTE होता है, ये भी मतलब यूनिवर्सिटी बहुत सारी होती है, जैसे कि अभी अपना मुंबई यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आता है, ऐसे AICTE के अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है, तो अब ऐसा कर दिया गया ना कि देखो अभी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी वाले हैं ये इनके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी आएंगी और एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, समझा, तो अभी जो यूजीसी है जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब फिर ऐसे मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ऐसे बनारस यूनिवर्सिटी है, BHU जिसे कहते हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटियां को यूजीसी चला रहा है, अगर मान लो तो यूजीसी जैसा बोलेगा वैसा ही नहीं ये यूनिवर्सिटी करेंगी, वैसे ही फीस होगा, वैसा एजुकेशन सिस्टम होगा, अब ऐसा नहीं होगा, और ना ही AICTE जैसा बोलेगा वैसा होगा, तो जो बच्चे इसके अंदर पढ़ेंगे उनका क्या होगा, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, हम उनको सिर्फ इतना पता होता है कि हम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, हमको कौन कंट्रोल कर रहा है ये नहीं पता होता है। तो अब क्या होगा कि अब एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, मतलब एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, अब UGC AICTE कुछ नहीं रहेगा, एक यूनिवर्सिटी एक पूरी रहेगी और उसके अंदर सब काम करेंगे। मे बी कहीं ऐसा हो जाए कि इंडियन यूनिवर्सिटी आ जाए और उसके अंदर सब काम करे, सब स्टडी करे, तो सोचो जरा ये एक बहुत बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सारा हक अपने पास रखेगी, वो चाहे वो करेगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत सारे माफिया होते हैं, उनका जितना फीस होगा उतनी फीस लेंगे, एजुकेशन में बीच में घपला करके कुछ भी एडमिशन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब सब बेस्ट तरीके से सारी चीजें ला दी गई हैं। तो एक बात तो गाइस अभी करंट के बच्चों के लिए मैं बोल दूं, जो अभी के अभी बच्चे हैं उनको जैसी स्टडी चल रही है वैसी करनी है, 10th और 12th उनके लिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ये सारे जो मैंने अभी बताए सब 2022 से लागू होंगे। 2022 तक आप चाहे 9th में रहो, 12th में रहो, 11th में रहो, आपको सेम बुक जो है आपके पास वही बुक पढ़नी है, चुपचाप परीक्षा के लिए प्रिपेयर करो, जितनी मेहनत हो सके करो, सिलेबस भी अपना रिड्यूस हो चुका है तो उस रिड्यूस सिलेबस हिसाब से पढ़ाई करो, हमारे पास वैसे भी जो मैंने करा दिया तो सारे वीडियोस को वॉच करो, उस वीडियो में जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसको मत देखो, बाकी सारे चीजों को आप देखो, तो ये एक बेस्ट तरीका है। तो प्लीज गो एंड वॉच दिस और सारे वीडियो देखो अच्छे से, और हमारे चैनल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अब तो कम से कम गंदा नहीं कहोगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। वैसे भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं कि अभी टीचर को यही नहीं पता होता है कि भाई एक एप्लीकेशन में क्या होता है, ठीक है, बच्चों को गांव में क्या होगा, हालत क्या होगी, तो ये सब जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस है उनको बदला जाएगा, चेंजेस लाए जाएंगे, टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी, या तो रिजर्वेशन वाले जो टीचर है भैया उनको निकाल ही दिया जाए या कोई दूसरे टीचर को रख दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, बट चेंजेस तो बहुत अच्छे खासे होंगे, दुनिया बदल रही है, हम भी बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।